नमस्कार, मैं निरंजन कुमार माखल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला शांतिकुट्टू, संकुल केंद्र चोपना, विकासखंड घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। मैं शून्य निवेश आधारित TLM लॉकडाउन के समय में निर्माण किया। मेरे नवाचार का नाम है शून्य निवेश कबाड़ से जुगाड़। मैं इस TLM को बनाकर विभिन्न अधिगम को सरल एवं आनंददायी वातावरण में सीखना तथा COVID-19 के समय में शिक्षा को जारी रखना, जिससे एजुकेशन गैप ना हो सके। नवाचार के क्रियान्वयन के लिए जिन संसाधन की आवश्यकता हुई, ये हमारे परिवेश में पाए जाने वाले अनुपयोगी वस्तु को एकत्र कर तैयार किया गया, जैसे शादी के कार्ड, पत्र पत्रिकाएं, रबर बैंड आदि। इसके अतिरिक्त मुझे पेन, पेंसिल, रंगीन पेंसिल आदि की जरूरत पड़ी। मेरे नवाचार का लाभ है, छात्रों को सही ढंग से बिना क्लासरूम, बिना ब्लैकबोर्ड हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय की पढ़ाई को जारी रखना। मैंने शून्य निवेश नवाचार के द्वारा COVID-19 वैश्विक महामारी के समय में शिक्षण के गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान किया। विशेष नवाचारों को एकत्र करने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक प्रशंसा के पात्र है, जिन्होंने हमें अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण करने का एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस प्रकार का नवाचार आप ZIIEI के YouTube चैनल या Facebook पर देख सकते हैं। देखिए, मैंने जो सहायक शिक्षण सामग्री TLM तैयार किया, शब्द पोथी, इसमें ये जो शब्द बना है, क म ल, कमल। इसमें यदि मैं एक कार्ड को ऊपर करूं तो ये बनेगा क म ल, कमला। इसी तरह से अब ये शब्द बना कमली। इस प्रकार से मैं अलग अलग शब्द इसमें बना सकता हूं। ये है लघुत्तम समापवर्त संगणक। इसमें हम बहुत ही आसानी से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इधर है, एक से लेकर 100 तक के गिनती है। यदि मैं अभाज्य संख्या निकालने जाऊं
एक और सौ के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैं इस तरह से बहुत ही जल्दी निकाल सकता हूँ। एक से सौ के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है, इस तरह से ये 25 अभाज्य संख्या है, जिनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। यदि मैं संख्या 2, 3 और 4 का लघुत्तम निकालना चाहूं, तो सबसे पहले मुझे मैं ये 2 रखूंगा, 2 का गुणा दिया पहाड़ा, ये सामने आ गए हैं। इसी तरह से मैं 3 को रखूंगा, 3 का गुणज या पहाड़ा सामने आ चुका है। इसी तरह से मैं 4 को रखूंगा, ये 4 का गुणज या पहाड़ा सामने आ चुका है। अब मेरे सामने संख्या 2, 3 और 4 का समान अपवर्त 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। इनमें से जो सबसे समान और छोटा अपवर्त है 12, इस तरह से 12 इनका लघुत्तम समावर्त होगा। इस तरह से हम आसानी से लघुत्तम समावर्त निकाल सकते हैं। अगला जो है ये 2 चक्री है, दोनों चक्री को हम घुमा सकते हैं। अलग अलग शब्द लिखा है, जैसे ही इज अ डांसर, इसको यदि मैं घुमाऊं, ही इज अ टेलर, इसको यदि मैं घुमाऊं, ही इज अ इंजीनियर, मैं इधर का चक्री भी घुमा सकता हूं, आई एम अ इंजीनियर, सी इज अ इंजीनियर, ही वाज ए फार्मर, ही हैज ए फार्मर, रामू इज फार्मर, इस तरह से मैं अलग अलग वाक्य तैयार कर सकता हूँ। ये है कोण मापक यंत्र। सभी प्रकार के कोण हम इसे बना सकते हैं। अभी ये 0 अंश पर है, अब मेरा कोण बना है 30 अंश का, इसको मैं यहाँ कर दूँ तो ये 90 अंश का एक समकोण बना है। इसी तरह से मैं 180 अंश, इसी तरह से ये संपूर्ण अर्थात 360 अंश का कोण, इस तरह से मैं सभी प्रकार के कोण इसमें से बना सकता हूँ। अगला जो है देखिए, 8000 के स्थान पर है, 7 सैकड़े के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर है, अर्थात जो संख्या बना है 8765। यदि मैं बच्चों से पूछूं कि 8 का स्थानीय मान कितना है, तो बच्चे बड़ी आसानी से बता देंगे 8 का स्थानीय मान है 8000। यदि मैं पूछूं 7 का स्थानीय मान कितना है, तो बच्चे भी आसानी से बोल देंगे 700। यदि मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान कितना है, तो बताएंगे 60। और 5 का स्थानीय मान है 5। इस तरह से हम आसानी से इनका स्थानीय मान बता सकते हैं। ये जो TLM है, इसमें शब्दों के साथ में केवल ING जोड़ना है, जैसे ग्रोइंग, ईटिंग,
एंटरिंग, आयरनिंग, वीपिंग, पुटिंग, गोइंग, रीडिंग, आस्किंग, हंटिंग, वाचिंग, वर्किंग, मेकिंग। इस तरह से हम सभी शब्दों के साथ में आईएनजी जोड़ सकते हैं। ये है वाइल्ड एनिमल, अर्थात हमारे जंगल में पाए जाने वाले जंगली पशु। ये हैं हमारे यातायात के साधन। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन वाहनों का उपयोग करके जा सकते हैं, हमारे यातायात के साधन। हमारे पालतू पशु, हम किन किन पशुओं को पालते हैं, जैसे डॉग, शीप, बफेलो, काउ, गोट, हॉर्स, कैमल, डंकी, ये हमारे पालतू पशु है। ये जो TLM है, इस TLM में दो चक्री है। इस तरह से दोनों चक्री को हम घुमा सकते हैं और हमारे देश के सभी राज्य और राजधानी का नाम, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। इसी तरह से पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। इस तरह से हम भारत देश के सभी राज्य और राजधानी का नाम आसानी से बता सकते हैं। इसके पश्चात ये जो TLM है, इससे हम आसानी से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे स्मॉल यानी छोटा, इसको यदि हम ऊपर करें तो मॉल यानी शॉपिंग सेंटर, जहां से हम सामग्री खरीदते हैं। इसी प्रकार से प्राइस, राइस, आइस। इसी प्रकार से स्टोन, टोन, वन। ये सभी दिनों के नाम हैं। ये भी एक TLM है, जैसे टेल, सेल, नेल, फेल। इसी तरह से कट, हट, नट। मैंने इस लॉकडाउन के समय पर कम से कम 110 TLM तैयार किया, जिसे मैं पालकों के DigiLab WhatsApp ग्रुप में सेंड करता हूं। और इस COVID-19 वैश्विक महामारी के समय में हमने शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई को यथावत जारी रखा। मैं पुनः अरविंद सोसाइटी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस शून्य निवेश नवाचार को प्रायोजित किया एवं शिक्षकों के आवाज़ को एक उचित मंच प्रदान किया। अंतिम शब्दों में मैं यह कहना चाहूँगा कि
सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं निरंजन कुमार माखल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला शांतिपुर 2, जन शिक्षा केंद्र चोपना, विकासखंड घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। मैं महेश प्रसाद शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बहलवाड़ा में पदस्थ हूँ। मैंने शून्य निवेश पर आधारित कुछ TLM इस COVID-19 के लॉकडाउन के समय में निर्मित की है। मेरे नवाचार का नाम है घरेलू चीज़ों से TLM निर्माण कर विभिन्न अधिगम गतिविधियों से विद्यार्थियों को जोड़ना, उन्हें शामिल करना तथा COVID-19 के लॉकडाउन के समय में शिक्षा को जारी रखना, जिससे एजुकेशन गैप ना हो सके। नवाचार के क्रियान्वयन के लिए मुझे जिन संसाधनों की आवश्यकता हुई वे घरेलू सामान हैं, जैसे धागा, कैंची, रुई, पेंसिल आदि। मुझे नवाचार तैयार करने में 10-15 मिनट का समय लगता है। मेरे नवाचार के लाभ हैं, छात्रों को सही ढंग से बिना क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड के हिंदी, गणित, अंग्रेजी की पढ़ाई को जारी रखना। मैंने सोनी निवेश नवाचार के द्वारा COVID-19 वैश्विक महामारी के समय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। विशेष नवाचारों को एकत्रित करने के लिए श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने हमें अपनी अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण करने का एक सशक्त मंच प्रदान किया है। इसी प्रकार के नवाचार आप ZIIEI के YouTube चैनल या Facebook पेज पर देख सकते हैं। देखिए जैसे ये किचन का सामान है, इसके माध्यम से बच्चों को हम सिखाएंगे। जैसे ये है मैंची, ऐ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सिखाना है। ये हमारे किचन में हुआ करती है मैथी। ये मैथी, इसको इस प्रकार से लिखते हैं और ए की मात्रा का इससे बालक को बोध होता है। इसी प्रकार से ये नमक है, नमक ना मा और का, तीन वर्णों से मिलकर बनता है नमक। इसी प्रकार से ये राई, रा में बड़ा आ की मात्रा लगती है और बड़ी ई, ये राई है, राई। ये हम किचन के माध्यम से जो उपलब्ध हमारे पास सामान है उसके माध्यम से, जैसे ये मिर्च मसाला, ये मिर्च मसाला, मिर्च में माँ में छोटी ई की मात्रा है और पदेन रा ऊपर है और बाद में क्या है मिर्च मसाला। इसी प्रकार से हल्दी, हा खा
खाली है, आधा ला है और दाम बड़ी की मात्रा है। तो ऐसे आधा अक्षर ला और दाम बड़ी की मात्रा का बोझ बालक को होता है। इसी प्रकार से जीरा, जीरा में जाम बड़ी ई की मात्रा है और राम बड़ा की मात्रा है, ये बालक जानते हैं जीरा। जीरा लेकिन वो लिखना नहीं जानते, तो वह बड़ी की मात्रा लगाकर इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं जीरा। इसी प्रकार से हमने कंघा, हमारे पास होता है कंघी, हम की मात्रा है। कैंची, ये कैंची है, ए की मात्रा, आई की मात्रा है इसमें। सुपारी घर पर होती है, सामे छोटा उच्च मात्रा, पामा बड़ा उच्च मात्रा, अड़ा में बड़ी की मात्रा सुपारी। इसी प्रकार से चूना होता है, सरोता होता है घर पर। इस प्रकार से हम घरेलू सामान के माध्यम से बच्चों को ये शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान और मात्रा ज्ञान का बोध करा सकते हैं। इस प्रकार से हमने COVID-19 की इस महामारी के लॉकडाउन के समय में, ये देखिए शादी के कार्ड हैं, इसमें हमारा कुछ भी मूल्य नहीं लगा। ये हमने कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है उसका ये ढक्कन, इसको इनमें सेट किया है, ये तार लगाया हुआ है और ये इससे हम अंकों का ज्ञान 20 और 7 27, 20 और 8 28, 20 और 9 29, इस प्रकार से हम इन के माध्यम से, इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से जो घर में पाई जाती हैं, जो जिनका कोई मूल्य नहीं होता, शून्य निवेश है, इसके आधार पर हम इनके सहयोग से, इनके माध्यम से ये सामग्री का निर्माण करते हैं। केरल का ये पहाड़े हैं, ये घड़ी है, घड़ी में भी पूरा विवाह का जो कार्ड है उसी का उपयोग किया गया है। ये तार है पुराना उसको, और इस प्रकार से ये पाटे लगा दिए हैं। इसी प्रकार से हम अब देखिए गणित की अवधारणा के लिए, ये रस्सी है, ये रस्सी हमने जो कूड़ा करकट में फेंकने वाला सामान होता है उसको छांटकर इसमें हम बच्चों को 10 तक की गिनती का अभ्यास करा सकते हैं। एक गांठ लगाई, एक बोल दिया, दूसरी गांठ लगाई, दो बोल दिया, तीसरी गांठ लगाई, तीन बोल दिया, चौथी गांठ लगाई, चार बोल दिया, और 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसी प्रकार से इन गांठों को खुलवा दिया तो फिर दोबारा से उसको अभ्यास हो गया, फिर लगवा दिया, फिर खुलवा दिया। इस प्रकार से हम गिनती का अभ्यास इस रस्सी के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से, यदि जो डिब्बे होते हैं खाली खोखे दुकानदारों के पास, इस प्रकार के उनको हमने ये चक्र बना दिया और चक्र पर बच्चे से कहा कि किसी एक पर हाथ रखो, उंगली रखो। उसने मान लीजिए आर पर रखा, आर फार रोज, रोज माने गुलाब, क्यू यू डबल ई एन क्वीन, क्वीन माने रानी, पीकॉक मीन्स मोर। उसको पीका अध्ययन भी कराएंगे, पीका ज्ञान भी बताएंगे और मोर उसका शाब्दिक अर्थ या उसका मायना हम बताएंगे। इस प्रकार से हमने ये सभी सामग्री स्थानीय परिवेश में जिनका मूल्य शून्य होता है, जिसमें कोई हमारी मुद्रा खर्च नहीं होती, इनके माध्यम से हमने मेरे इस लॉकडाउन के समय में कम से कम 70 TLM शून्य निवेश के अंतर्गत बनाई हैं, जिन्हें मैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो डिजिटल ग्रुप बना हुआ है उस पर सेंड करता हूँ। बच्चे उसे पढ़ते हैं, उससे गतिविधि करते हैं और इस प्रकार से हमने इस कोविड-19 के
इस वैश्विक महामारी के इस समय में हमने शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई को यथावत जारी रखा हुआ है। पुनः मैं अरविंद सोसाइटी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस शून्य निवेश नवाचार को प्रायोजित किया है और शिक्षकों की आवाज़ को एक उचित मंच प्रदान किया है। और अंतिम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेकर खो, सुंदर निरुत्तर रह गया जगत सारा मोन, एक माटी के दिए ने कहा नम्रता के साथ जितना बढ़ सकेगा मैं करूँगा नाथ, मैं करूँगा नाथ। अस्तु सुमस्तु। महेश प्रसाद शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला देहरवाड़। नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती कमलती पवार, प्राथमिक शाला नेहरूवाड़ मुलताई से श्री अरविंदो सोसाइटी HDFC बैंक के मार्गदर्शन में एक छोटा सा हम लोगों ने नवाचार किया है जिसका उद्देश्य है बच्चों को इस COVID-19 कोरोना महामारी के समय में बच्चों का जो स्कूल बंद है और इनकी पढ़ाई पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो हम लोगों ने इस छोटे से नवाचार के द्वारा जिसकी थीम है कि कोरोना से नहीं डरना है, पढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है, इस थीम के द्वारा हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है जिसमें सबसे पहले हम बच्चों को अपने अपने घरों में मेरा ही घर मेरा विद्यालय के कार्यक्रम में कैसे घर को ही विद्यालय बनाया है, तो इसमें प्रत्येक बच्चों को जाकर के पहले हमने पालकों से संपर्क किया और उनके घरों पर पढ़ने का कोना बना दिया है जिसमें कि सबसे पहले 10 बजे घंटी बजा दी जाती है। इस प्रकार से 10 बजे मंदिर की घंटी बजती है और इस नेहरू वार्ड में जहाँ तक घंटी की आवाज़ जाती है, माइक लगा हुआ है, इस माइक के द्वारा जहाँ तक घंटी की आवाज़ जाती है सारे बच्चे 10 बजे बैठने अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। इसके पश्चात हम मोबाइल में DigiLab कार्यक्रम के द्वारा जो लिंक दी जाती है उसको यहाँ अटैच कर दिया जाता है। और इस प्रकार से माइक के द्वारा हमारे बच्चे DigiLab कार्यक्रम सुन पाते हैं। यह कार्यक्रम 10 से 11 बजे तक चालू रहता है। इसके पश्चात 11 से 12 बजे पुनः इसी मोबाइल के द्वारा यहाँ रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है जो सारे बच्चे हमारी एरिया के जहाँ तक माइक की आवाज़ जाती है सुनते हैं और रेडियो कार्यक्रम सुन करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात 11 से 12 बजे तक हम पुनः अपने वर्कबुक पर बच्चों से कार्य कैसे कराएं, इसके लिए कुछ बच्चों को यहाँ पर जो हमारे पास अभी तरुण समूह के बच्चे बैठे हैं इन्हें पढ़ाया जाता है। इसके लिए हमने शून्य निवेश नवाचार के द्वारा कुछ TLM तैयार किए हैं। यहाँ इन TLM के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो TLM बने हैं हमारे अभी त्योहारों पर हम लोगों ने बहुत सी शॉपिंग की और इस प्रकार के बॉक्स आए हैं। इन्हें हम लोगों ने हमारी जो कठिन अवधारणा है उनको ले करके हम उन कठिन अवधारणा को कैसे सरल करते हैं, ये इस प्रकार के हमने TLM बनाए हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये 12 खड़ी का TLM है। यहाँ आंकड़ों का खेल है, मतलब खेल खेल में बच्चे संख्या सीखते हैं। इसमें इकाई और गाही का ज्ञान,
बढ़ता क्रम घटता क्रम और स्थानीय मान, इस प्रकार के हम इसमें गतिविधि करते हैं और बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं। इस PLM के द्वारा हम बच्चों को जोड़ घटाना और गुना भाग की संक्रियाएं इकाई दाई और सैकड़ा तक की संख्याओं का ज्ञान कराते हैं। हिंदी के लिए हमने कुछ PLM बनाए हैं जिसमें चित्र देखकर बोलना, चित्र देखकर नाम लिखना, चित्र देख कर के शून्य गोले लगाना, इस प्रकार की गतिविधि हम TLM के माध्यम से बच्चों को करना सिखाते हैं। ये सारी गतिविधियाँ स्कूल में भी होती है और 1 बजे के बाद जब भी हम घर घर संपर्क बच्चों से करने जाते हैं तो इन TLM के माध्यम से भी उनकी कठिन अवधारणाओं को सरल करते हैं और जहाँ पढ़ने में कठिनाई आती है उन्हें वहाँ पर हम सहायता करते हैं जा कर के। चूँकि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे परिवार से है जिनके पास तो न मोबाइल है न TV है, मोबाइल है भी तो इनके पेरेंट्स लोग लेके चले जाते हैं, तब बच्चों को इस ऐसी परिस्थिति में पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि न तो वो DigiLab कार्यक्रम देख पाते हैं और न रेडियो कार्यक्रम सुन पाते हैं। इसी के लिए हमने ये मंदिर में घंटी बजा करके और जो मंदिर में आरती के लिए यहाँ माइक लगे हुए होते हैं इन माइक का उपयोग हमने DigiLab कार्यक्रम और रेडियो कार्यक्रम के लिए उपयोग किया है, जिसमें हमें सहायता प्रदान की है श्री अजय पवार सर, इनकी वाइफ पूनम अजय पवार मैडम, ये हमको यहाँ सहायता करते हैं। ये इसी मोहल्ले में रहने वाले हैं, इनका भी बेटा है जो इसी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल में ये सब देख करके ये लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और इसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए सारे हमारे मोहल्ले के बच्चे और पालक बहुत ही उत्सुक रहते हैं। और इसमें सारा मार्गदर्शन है अरविंदो सोसाइटी HDFC बैंक भोपाल का मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। शून्य निवेश नवाचार है और COVID-19 में जब बच्चे घर में लाभद है और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कैसे सीखे, तो ये खेल खेल में आसानी से बच्चे हमारे घर में भी रह करके सीख रहे हैं और इनकी दक्षता में कोई भी कमी नहीं आ रही है। और इसके लिए हमने थोड़ा सा COVID-19 से डरना नहीं है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए सबसे बच्चों में हमने कुछ अच्छी भी आदतें डाली हैं जिसमें सबसे पहले बच्चों को हैंड सैनिटाइजर करना, हाथ को हैंड सैनिटाइज करना, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खरीद पाते हैं तो उसके लिए हमने बच्चों को सैनिटाइजर कैसे बनाते हैं ये भी बताया है और बच्चे हैंड सैनिटाइज करते हैं, ये बच्चों के द्वारा घर में बनाया हुआ है, इसको हमने बनाने की विधि बताई है। मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग जो फिजिकली डिस्टेंसिंग यहाँ बच्चों में है, ये सारे हमने अच्छे गुण इस COVID-19 को दूर करने के लिए बच्चों को सिखाया है। और इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी HDFC के लिए बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और हमारे भाई श्री अजय पवार जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए मेरी सहायता करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आयशा परवीन माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवरी विकास खंगुड़ा जिला शहडोल मध्य प्रदेश से मैं आपके सामने अपना नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे नवाचार का शीर्षक है बुरी आदतें जाएंगी अच्छी आदतें आएंगी, स्वच्छता दिलाएंगी और बीमारी दूर भगाएंगी। मेरा यह नवाचार बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा और उनकी स्वच्छता से संबंधित है। मेरा यह नवाचार पूरी तरह से शून्य निवेश नवाचार है, इसके लिए मैं अपने विद्यालय की उपस्थिति पंजी के अलावा और किसी भी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपने नवाचार के बारे में बताने से पहले यह बताना चाहूँगी कि मैं ग्रामीण अंचल में एक शिक्षिका हूँ, मेरा विद्यालय ग्रामीण अंचल में है और मेरे विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व मेरे विद्यालय में गंदगी फैला कर चले जाते थे जिससे मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी समस्याएँ होती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। मैंने अपने स्कूल में अपने बच्चों से इसका समाधान निकाला। मैंने इसका समाधान इस प्रकार निकाला, मैंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी देश में स्वच्छ भारत योजना लेकर के आए हैं और इस योजना से जुड़े हुए समस्त कर्मचारी, समस्त कार्यरत अमला कितना कार्य कर रहा है हमारे देश को खुले से शौच मुक्त करने के लिए। इसमें हमें भी अपनी खुद की स्वच्छता के लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और मैंने भी बच्चों के अंदर इसकी जागरूकता
फैलाई और उन्हें इस योजना के बारे में बताया और उनसे यह जानकारी ली कि कितने बच्चों के शौचालय है और कितने बच्चे शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करते हैं और कितने बच्चे इसी तरह खुले में जाते हैं। मैंने बताया कि आप अगर इसी तरह खुले में जाएंगे तो वह किसी न किसी के लिए समस्या का कारण बनेगा और आपकी भी बीमारियों का कारण बनेगा। मैंने इस योजना से संबंधित सभी बातें बच्चों को बताई और उनसे दैनिक इसके बारे में जानकारी लेना प्रारंभ किया कि अब कौन कौन बच्चा है जो खुले में शौच का लिए जाता है और कौन सा बच्चा है जो शौच हेतु शौचालय का प्रयोग करता है। अब प्रतिदिन इसकी जानकारी लेना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन था, इसके लिए मैंने अपने विद्यालय के उपस्थिति पंजी को उपकरण बनाया। मैंने इसको उपकरण इस प्रकार बनाया कि मैंने अपने विद्यालय के रजिस्टर के ऊपरी हिस्से में इस तरह से लिख दिया कि अच्छी आदत शौच हेतु शौचालय का प्रयोग करना। अच्छी आदत होती है खुले में शौच करना या शौचालय का प्रयोग करना। मैंने बच्चों को बताया शौचालय का प्रयोग करना अच्छी आदत है और फिर जब मैंने बच्चों को कहा जब मैं आपकी हाजिरी लूंगी आपकी अटेंडेंस लूंगी तो आपको यस सर नो सर के अलावा यह कहना है कि यस सर खुले में शौच गया, यस सर शौचालय का उपयोग किया। इस तरह मैंने बच्चों के अंदर यह जागरूकता लाई और बच्चे विद्यालय में बताने लगे प्रतिदिन दैनिक रूप से कि शौचालय का प्रयोग किया या खुले में गया, शौचालय का प्रयोग किया या खुले में गया। अब जब बच्चा यह बात विद्यालय में बताता था तो वह झूठ भी नहीं कह पाता था कि वह शौचालय का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे साथ में हैं, आजू बाजू रहते हैं, वह विद्यालय में तुरंत बता देते नहीं मैडम यह झूठ कह रहा है। इस वजह से बहुत सारे बच्चों में सुधार आया। जब मैंने यह नवाचार लागू किया था तो केवल 15-20% बच्चे थे जो शौचालय का प्रयोग कर रहे थे और फिर जब मैंने यह नवाचार लागू किया तो 50% से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई। कुल मिला के 70% से ज़्यादा बच्चे जो है शौचालय का प्रयोग करने लगे। शौचालय था परंतु वो उसको उपयोग नहीं करते थे, या गंदा पड़ा हुआ था या उनमें ताला लगा हुआ था या कुछ भी समस्या थी और किसी के यहाँ बना नहीं था। फिर जब बच्चों को यह बात समझ में आई तो उन्होंने स्वयं इसके लिए जागरूक हुए और अपने घर वालों को भी जागरूक किया और शौचालय का प्रयोग करने लगे। जब मैंने इसमें यह सुधार देखा कि मेरे बच्चों में एक अच्छी आदत आ रही है कि वो शौचालय का प्रयोग करने लगे तो मैंने उनके अंदर और कुछ अच्छी आदतों का विकास करने के लिए सोचा। अब मैंने फिर एक समस्या मेरे विद्यालय में यह भी थी कि मेरे बच्चे प्रतिदिन सारे बच्चे नहा कर नहीं आते थे। ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, कुछ बच्चे खेलते हुए विद्यालय चले आते थे, कुछ बच्चे अपने गाँव में खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे अपने जानवर चरा रहे होते हैं और वो विद्यालय आते हैं उसका साथी आता है, चलो स्कूल का समय हो गया, वो बस्ता उठाते हैं और स्कूल चले आते हैं और वो साफ सफाई में उतना विशेष ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया कि प्रतिदिन स्नान करना एक अच्छी आदत है। फिर मैंने अगले महीने 2-3 महीनों के बाद मैंने उस पर लिखा अच्छी आदत होती है प्रतिदिन स्नान करना। अब मैंने बच्चों को कहा कि आप प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी आप मुझे इसी तरह हाजिरी रजिस्टर में रोज सुबह देंगे, जब मैं आपका नाम लूँ तो आप मुझसे ये कहेंगे कि यस मैडम नहा कर आया हूँ, यस मैडम नहीं नहा कर आया हूँ। और जब मैंने इसकी जानकारी लेना शुरू की, क्योंकि बच्चों को पता था कि अब हमें हाजिरी में यह भी बताना है, अब जब मैंने इसकी जानकारी ली, जब हाजिरी लेती थी तो बच्चे बोलते थे यस मैडम नहा के आया हूँ, यस मैडम नहा के आए हो, जो बच्चे नहीं नहा के आते थे वो बता देते थे नहीं नहा के आया हूँ। इस वजह से उन्हें अपनी कमी अपनी गलती स्वयं सबके सामने स्वीकार करनी पड़ती थी। जब स्वयं स्वीकार कर रहे थे तो स्वयं सुधार भी किया और बात वही है कि वह झूठ नहीं बोल पाते थे क्योंकि उसका साथी बच्चा बता देता था कि मैडम जी यह तो खेत से सीधा चला आया है। इस तरह से इसमें 100% सुधार हो गया। मेरे बच्चे के साथ 50% के लगभग थे जो प्रतिदिन स्नान करके आते थे और इस नवाचार के बाद 100% के लगभग बच्चे प्रतिदिन स्नान करके आने लगे। इसी तरह मैंने और कुछ अच्छी आदतें अपने बच्चों के आदतों में शामिल किया है, इसी तरह अपनी उपस्थिति पंजी का उपयोग करके। ऊपर में कोई भी अच्छी आदत लिख देती, जैसे मैंने फिर लिखा कि तालाब में नहाना, नदी में नहाना, कुएं के पानी में नहाना, किस पानी से आप नहा कर आते हो। फिर 2-3 महीने के बाद मैंने यह आदत यह नवाचार बदल दिया कि अब आपको एक और अच्छी आदत शामिल करनी है। तो इस अच्छी आदत को शामिल करवाने के लिए यह मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा, इसलिए मैंने अपने विद्यालय में लागू किया और इसका मुझे बहुत लाभ भी हुआ और मेरे बच्चों को भी बहुत लाभ हुआ। उनकी साफ सफाई बहुत ज़्यादा रहने लगी है, अच्छे से बच्चे विद्यालय आते हैं और उनकी स्वच्छता और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा है। और यही मेरा नवाचार था। इस नवाचार को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ ZEEI का कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपना नवाचार प्रस्तुत कर सकूँ, अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक को कि उन्होंने इस तरह की डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा नवाचार अच्छा लगा हो तो कृपया अच्छी रेटिंग दें। धन्यवाद।
मैं भेरूलाल ओसारा प्राथमिक शिक्षक मानक चौक विकास खंड चाचौड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश। लॉकडाउन के समय मैंने शून्य निवेश
नमस्कार, मैं भेरूलाल ओसारा, प्राथमिक शिक्षक मानक चौक, विकासखंड चाचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश। लॉकडाउन के समय मैंने शून्य निवेश नवाचार का क्रियान्वयन किया। मेरे नवाचार का नाम है जलवायु परिवर्तन। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन के माध्यम से निरंतर शिक्षा प्रदान करना है तथा शिक्षा को आसानी से लोगों तक उपलब्ध कराना है और निरंतर शिक्षा को जारी रखना है। मेरे मॉडल का निर्माण करने के लिए आपको न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे रुई, पत्थर एवं कला। जब मॉडल तैयार होता है तो उसे आसानी से हम वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे बच्चे उसे आसानी से सीख सके। मैंने मॉडल के दो स्वरूप किए गए हैं। मेरे मॉडल का नाम है जलवायु परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, और मैं आपको प्रदर्शित करना चाहूंगा जिससे कि जलवायु परिवर्तन को आसानी से सीखा जा सकता है। यह मेरा मॉडल है। मैंने अपने मॉडल के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को बताया है। दोस्तों, यह सन है। जब हम प्रकृति का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित ही प्रदूषण की मात्रा कम होगी, और जब प्रदूषण की मात्रा कम होगी तो हमें जो संसाधन की प्राप्ति हो रही है, जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, वो निरंतर हमें ऐसे ही मिलते रहे। लेकिन जिसके इस मॉडल के माध्यम से मैंने वही बताया, यदि हम प्रकृति का निरंतर सदुपयोग करेंगे तो जो वातावरण है स्वच्छ बने रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने मॉडल में वही प्रदर्शित किया है। एक तरफ पूरा स्वस्थ वातावरण प्रदर्शित किया है, उसके दूसरी तरफ यदि हमने प्रकृति का दोहन किया, उसका दुरुपयोग किया, तो निश्चित ही हमें उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि प्रदूषण की मात्रा बढ़ी तो निश्चित ही जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो जाएगा, और अम्ली वर्षा जैसे विध्वंसकारी प्रभाव देखने, जैसे अम्ली वर्षा हुई तो निश्चित ही अकाल जैसी स्थिति पड़ेगी। इस मॉडल द्वारा मैंने वही दर्शाया गया है। यदि अम्ला वर्षा हुई तो रहन सहन निश्चित ही भयानक हो जाएगा। अतः यह मेरा मॉडल जलवायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। मेरे नवाचार के लाभ के माध्यम से मैंने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार द्वारा COVID-19 वैश्विक महामारी के समय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगदान दिया। विशेष संसाधनों को, समाचारों को एकत्रित करने के लिए श्री अरविंदी सोसाइटी प्रशंसा MSTSF बैंक की पात्र है। इसी प्रकार के नवाचार आप ZIIE के यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन कुमार, प्राथमिक विद्यालय जलालपुर, प्रखंड राजपुर, जिला बक्सर, राज्य बिहार में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शून्य निवेश नवाचार के तहत एक शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और मेरा विषय होगा खेल खेल में शिक्षा। उसके लिए हमने सामग्री के रूप में कागज़ के प्लेट का इस्तेमाल किया है, और इन प्लेटों पर हमने कुछ जानवरों की आकृतियों का रूप दिया है। उन आकृतियों के माध्यम से बच्चों को हम जानवर के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ बच्चों को मुखौटे के प्रयोग को प्रयोग कराएंगे, जिससे कि बच्चे अपने आप को खेल खेल में खेलना पसंद करेंगे और खेल खेल में कुछ सीखना पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चों की आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे बीच कि बच्चे विद्यालय आना पसंद नहीं करते। बच्चे कम आते हैं, उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि बच्चों को इन मुखौटों के माध्यम से शिक्षा देंगे, और मुखौटे जब बच्चों के चेहरे पर हम इस तरह से लगा देंगे तो बच्चे एक दूसरे को विभिन्न तरह के जानवरों के नाम से पुकारेंगे, और उन्हें फिर हम बारी बारी से जानवर के बारे में बताएंगे। जिसके तहत हमने ये हाथी का एक रूप दिया है, और ये टाइगर है, इसको हमने बनाया है। ये आप कुत्ता हुआ, ये पिग है, ये क्या है, खरगोश है,
और इस तरह से हम विभिन्न तरह के मुखौटों को आकृति के रूप में दिया है इन प्लेटों पे, और इनको हम बच्चों के चेहरे पे इस तरह से लगा देते हैं, और बच्चे चेहरे पर लगाएंगे तो इस तरह से आपस में दूसरे को विभिन्न तरह के जानवरों के नाम से पुकारेंगे और खेलेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे उन्हें विद्यालय से जोड़ेंगे और आगे की तरफ हम ले जाएंगे। इसके बाद हमने एक और छोटा सा प्रयास किया है चार्ट पेपर के माध्यम से, इस पर बच्चों को हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे परिचित कराने के लिए। तो हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे फल है, इस पर हमने फल को चिपका दिया है शून्य निवेश के तहत। हमने इस पर कोई लागत खर्च ज़्यादा नहीं आया है, इन्हें हमने एक थोड़े थोड़े कहीं कहीं से कागज़ों को काट करके यहाँ पे चिपकाया है और इसको बच्चों के बीच प्रदर्शित करना है। ये फल है हमारा आम, ये हमारा राष्ट्रीय फल है, बाघ है हमारा ये, इसके बाद ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय पक्षी मोर, इन्हें हमने इस चार्ट पेपर पर बना दिया है और इसे बच्चों के बीच दिखाएंगे और इसे बच्चों से पहचान कराएंगे ताकि उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में ज्ञान हो सके। जेड आई ई आई ए ने जो हमें मौका दिया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक जो डिजिटल प्रदर्शनी के रूप में चला रहे हैं ये कार्यक्रम, इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विद्यालयों में इस तरह का प्रयोग करें ताकि बच्चे हमारे बेहतर हो सके, बेहतर समाज का निर्माण हो सके, और इस शिक्षा अधिगम शून्य निवेश नवाचार को आप अपना अच्छी रेटिंग दें। इसके लिए इसके साथ ही आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। सब जगह यहाँ चाहे तालाब हो, नदी हो, नलकूप, कुआं में पानी इकट्ठा करता है। बारिश का पानी कहीं कहीं तालाब के रूप में, नदी के रूप में होता है, और जब वही पानी मिट्टी में चला जाता है तो उसके अंदर से चंपाकल के रूप में आता है बाहर, नलकूप के रूप में आता है, और वही पानी कुएं के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे तो पानी के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने पानी के 6 स्रोत को दर्शाया है, जिसमें से बारिश, झरना, नदी, चंपाकल, नलकूप और कुआं है। इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को पानी के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और उन्हें आकर्षक तरीके से सीखेंगे। दूसरा TLM है विलोम शब्द, विलोम शब्द चक्र। इस चक्र के माध्यम से विलोम शब्द को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे ये गरम, गरम का विलोम ठंडा, फिर उसके बाद सही का विलोम गलत, हंसना का विलोम रोना, हल्का का होगा भारी, मजबूत का कमजोर, उठना का बैठना, पढ़ना का लिखना, ऊपर का नीचे, बड़ा का छोटा, मोटा का पतला, ज़्यादा का कम। इस चक्र के हिसाब से बच्चे विलोम शब्द को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। ZIIEI ने मुझे अपना नवाचार प्रदर्शित करने का बढ़िया अवसर दिया है। मुझे खुशी है कि श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक ने इस डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यदि आपको मेरा नवाचार पसंद आया हो तो मुझे अच्छी रेटिंग अवश्य है। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं मनोहर शर्मा, सहायक शिक्षक आदर्श कन्या उत्तर मित्र उच्च विद्यालय पोखरिया साहेबगंज झारखंड से हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक के सहयोग से ZIIEI कार्यक्रम के तत्वाधान में ई एग्जीबिशन के लिए एक नवाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस के से त्राहिमाम है, बच्चों को आज ई कंटेंट्स और डिजिटल कंटेंट्स के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। झारखंड सरकार भी DigiSaath के सहयोग से हमारे झारखंड के विद्यालयों के बच्चों को ई कंटेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें हमारे शिक्षक बंधु काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसमें साथ ही हम शिक्षकों के द्वारा अपना इनोवेटिव वीडियोस बना करके भी बच्चों के बीच परोस रहे हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में अगर हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताना है बच्चों को, तो घर में मौजूद सामग्रियों के सहयोग से भी उनको अच्छी तरह से ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपके घर में बेलन है, प्रत्येक घर में बेलन होता है रोटी बनाने वाला, जिसकी माँ बनाती है, तो इनको दिखा करके बेलन के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ हैं इसके माध्यम से दे सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ भी घर में लकड़ी के टुकड़े और सब इन आकृतियों से भी हम अवगत करा सकते हैं कि ये घनाव है, और इससे जितनी भी जानकारियाँ हैं उनको दे सकते हैं। इस तरह की आकृति घर में पड़े हुए रहते हैं, नीचे के चारों सब आठों सरफेस जो है सतह बराबर होते हैं, उनको एक घन कहा जाता है। इसके माध्यम से हम घन की जानकारी दे सकते हैं। ये तो देते ही हैं इन वीडियो को बना करके, लेकिन आज जो हम नवाचार की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित और रुचिकर होकर के उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस नवाचार का नाम है लॉकडाउन डायरी ज्ञान की भंडारी। आप देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन डायरी ज्ञान की भंडारी, तो चूँकि 6 से 8 कक्षाओं में अध्ययनरत सारे स्टूडेंट्स सारे बच्चों को के लिए मैंने इस नवाचार को बल दिया है, जिसके माध्यम से कि बच्चे में स्वलेखन पद्धति कि किस प्रकार बच्चे जो है अपने से लिखने की शैली का विकास कर सकें, इस संदर्भ में हमने प्रयास किया है। और इस लॉकडाउन डायरी के माध्यम से बच्चे पूरे दिन की दिनचर्याओं के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों को उसमें शाम में उल्लेखित करते हैं, और फिर हम साप्ताहिक रूप से सप्ताह में उसकी जांच करते हैं और बच्चों को इस पर कमेंट डालते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन डायरी के सीरीज में मैंने वोकैब लॉकडाउन डायरी, GK लॉकडाउन डायरी, इस तरह के और भी लॉकडाउन डायरी को बच्चे बना रहे हैं, जिससे कि अपने वोकैबुलरी को इंग्लिश वोकैबुलरी को हिंदी वोकैबुलरी को बढ़ा रहे हैं। तो मेरे समझ में स्वलेखन के का विकास, अपनी भावनाओं को अपनी नई सोच को किस प्रकार बच्चे उल्लेखित करें, तो इन डायरियों के माध्यम से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इसका परिणाम सामने आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के सहयोग से जो ZIIEI के माध्यम से ई एग्जीबिशन के लिए वीडियो तैयार करवाया जा रहा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को। धन्यवाद।
प्रखंड से नया जिला लोहरदगा झारखंड से हूँ। मैं अपना सुनिन्दय समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे इस नवाचार का नाम है खेल खेल में संख्या ज्ञान। मेरे नवाचार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री कार्डबोर्ड, कागज के डिब्बे, कार्टून आदि है। मेरे नवाचार विद्यार्थियों को संख्या ज्ञान समझने में काफ़ी मददगार होगा। JIIEI शिक्षा में सुनिन्दय समाचार प्रदर्शित करने का बढ़िया अवसर दिया है। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यदि आपको मेरा नवाचार पसंद आए तो कृपया अच्छी रेटिंग करने की कृपा करें। आइए संख्या राजा से संख्या सीखते हैं। हमारे पास पहले दो अंकों की संख्या जानने का प्रयास करेंगे। पहला इकाई, दूसरा दहाई। अब इसको हम कहीं पर भी लगाते हैं। कितना हुआ? 9, 6 इकाई, 9 दहाई, 9 पर 6, 96। फिर आगे इसको दर्शाकर 6 पर 3, 63। इसी तरह 55, 59, 59। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा संख्या प्रश्न को बता सकते हैं। ये 3 अंकों की संख्या का जब ज्ञान करवाना होगा तब देखिए 6 इकाई 9 दहाई 7 सैकड़ा 796। इस तरह से हम आगे बढ़कर जब 4 अंकों की संख्या का ज्ञान करवाना है तो इस तरह से रखकर 4 अंकों की संख्या का ज्ञान करवा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,300, 2% 27। आगे 3,500, 4 दहाई, 6 इकाई 3,546। इस प्रकार हम लोग 1,000,000 आगे की संख्या का हम लोग ज्ञान करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को दे देंगे और बच्चे आराम से करेंगे। ये हमारे पास एक संख्या रेखा का चक्र है, संख्या चक्र है। इसमें हम थोड़ा सा कहीं भी ट्विस्ट कर देंगे तो संख्या ही संख्या मिल जाएगा। कभी 3 अंकों की संख्या, प्रसिद्ध शहर नौगांव जिले से हूँ। मेरा गृह शहर है कामपुर और मेरा एडुकेशन ब्लॉक है कुचैतली। मेरा स्कूल का नाम है 612 नंबर कोपिली शंकर संघ LP स्कूल। आज मैं जो नवाचार आपके सामने फेस प्रकट कर रही हूँ उसका नाम है खाली पैकेट नवाचार। इसके लिए मैंने आज मैं एक सिंगल टीचर स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मेरे स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे प्रधान शिक्षक का भी कार्य निभाना पड़ता है और प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाना पड़ता है। इसलिए जो जो लोग ऐसे स्कूल में बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कितना दिक्कत होता है उन लोगों को संभालना। खासकर जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा ही से ही मोटिवेट होकर एक निवेश प्रस्तुत किया जिसके लिए मैंने उन मेरे बच्चों को कहा कि जब एक सप्ते में सारे बच्चे जितने भी सीप्स वगैरह खाते हैं उनके खाली पैकेट इधर उधर ना फेंके, अच्छी तरह से संभल कर रहते और एक सप्ते के बाद वो सारे पैकेट हमारे स्कूल में लेकर आए। मैंने तब तक उनको नहीं बताया कि क्यों क्या करना है, मुझे क्यों लाना है ये सब। इसलिए सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। उनको ये लगा कि मैडम अभी क्या करने वाले हैं, इसलिए उन लोगों ने इकट्ठा करना लगा एक सप्ताह तक। बस एक सप्ताह के बाद सारे बच्चे जो जितना एक दो करके चिप्स के पैकेट था, भुजिया के पैकेट था, मूँगफली के पैकेट था, ये सब पैकेट उन लोगों ने स्कूल लेकर आ गए। तब
मैंने बोला कि आज हम लोग सिप्स के जरिए पढ़ेंगे या खाली पैकेट के जरिए पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने क्लास वन के बच्चे को जैसे पॉपकॉर्न का एक पैकेट दिया, वो तो खुश हो गए कि पॉपकॉर्न के पैकेट से हम लोग आज कैसे पढ़ेंगे। उन लोगों को मैंने ये काम किया कि सारे बच्चों को, क्लास के सारे बच्चों को कुछ कुछ दलों में विभक्त किया, जैसे ए दल, बी दल, ऐसे करके मैंने दल में विभक्त किया और उनको एक एक खाली पैकेट दे दिया और बोला कि इनमें जो शब्द, एक शब्द में जितने ही अक्षर आते हैं, जितने लेटर आते हैं, सबको लर्न करना है। जैसे ये पी देखकर ये लोग समझने लगे कि ये पी ओ पी सी ओ ओ आर एन, जैसे पॉपकॉर्न हो गया। वैसे एक पैकेट से बी आई के ए जे आई बिकाजी हो गया, सिर्फ एक पैकेट में हो गया एल ए वाई एपोस्ट्रोफी एस, ये सब मैंने उन लोगों में बांट दिया और वे खुश होकर, कोई कोई बच्चे अपने स्लेट में लिखने लगे, कोई तो ब्लैक बोर्ड में जाकर लिखने लगे, ऐसे ही करके सारे बच्चे ना शोर करते हुए खुशी खुशी अपना काम करने लगे। फिर मैंने कुछ दूसरे क्लास के, क्लास टू के बच्चे को ऐसा किया कि पॉपकॉर्न का एक खाली पैकेट दे दिया और मैंने बोला कि इनमें जितने अक्षर है उन अक्षर से जोड़कर दो दो शब्द बनाओ। जैसे पी से आता है पेन और पथ, ओ से आता है ऑल और ऑरेंज, पी से आता है पिंक पीग, सी से आता है कैट काउ, ओ से आता है वन ऑनियन, आर से आता है रेड रेट, एन से आता है नेट नाट। उन लोगों को मैंने ग्रुप में विभाग कर दिया और ऐसे ही उनको भी खाली पैकेट के जरिए शब्द मेकिंग करने को बोला। फिर दूसरे क्लास में जो थे उन लोगों को मैंने क्लास 3, 4, 5 ऐसे ही करके, मैंने तो एक दो क्लास में खुद कर ही सकती थी, फिर दूसरे क्लास में मैंने ऐसा किया कि हमें इस पैकेट में ही कुछ कुछ जादू है। कैसा जादू? वो तो असरस में पढ़ने लगे कि कैसा जादू है मैम जी। मैंने बोला कि हमें यहाँ इस पैकेट में ही मिलेगा कि इस पैकेट को खाने से या इसको कंज्यूम करने से हमको क्या क्या उपादान मिलेगा, खाने का क्या क्या उपादान इनमें छिपा हुआ है। जैसे उन लोगों को मैंने पढ़कर बता दिया कि यहाँ एक न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि खाद्य में कौन कौन से उपादान होना चाहिए ये सब उपादान इनमें मौजूद है। जैसे उन लोगों को पता चल गया कि इसमें एनर्जी कितनी परसेंट है, हर एक 100 ग्राम में कितना प्रतिशत एनर्जी होती है, प्रोटीन होती है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, टोटल फैट होते हैं, ऐसे करके मैंने उन लोगों को बता दिया। वो तो अपने EBS में एनवायरमेंटल साइंस में ये सब पढ़ते ही है, उन लोगों को पता था, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं जानते थे कि हमारे खाने के पैकेट में भी ये सब मौजूद है। इसलिए मैंने उन लोगों को बता दिया कि ढूंढ कर देखो क्या क्या होता है तुम्हारे एक पैकेट में तुम लोग क्या क्या, कितने प्रतिशत। लोगों को मैंने ढूंढने को कहा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पे होते हैं एक पैकेट में, तुम लोग जो पॉपकॉर्न खाते हो, जो चिप्स लेस वगैरह खाते हो, उनमें क्या क्या उपकरण है। उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता था कि आज तक क्या क्या है उनमें। जब मैंने इंग्रेडिएंट्स को उन लोगों को दिखा दिया कि इसमें होते हैं पॉपकॉर्न, एडिबल वेजिटेबल ऑयल एंड कॉमन सॉल्ट, फिर सिर्फ ये तीन चीजों से ही पॉपकॉर्न का एक पैकेट बनता है, तब तो उन लोग अचरज में पड़ गए। फिर उनको बताया कि इनका स्टोरेज इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कुछ पैकेट में हम बाद में स्टोर करने के लिए भी कुछ उपाय बताया गया है। जैसे मैं उन लोगों को दिखाया कि इनमें स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी है, देखो इसमें Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. Once opened, keep in an airtight container. कुछ कुछ चीजें जब एक बार
खुल लेते हैं, बाद में वो बेकार हो जाते हैं, वो खा नहीं पाते। इसलिए उन लोगों को मैंने बताया कि इनको कैसे रखते हैं। एक बार खोलने के बाद अगर एक बार में ही नहीं खाया तो हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हमें खाद्य को कभी बेकार फेंकना नहीं चाहिए। तब तो उन लोगों को पता चल गया कि इस पैकेट में भी ये सब छुपे होते हैं। फिर दूसरे क्लास में मैंने बोला, क्लास 5 के मैथ्स में था ही कि हम एक पैकेट में कैसे ढूंढे कि इनका नेट वेट क्या होता है। हर एक पैकेट में होता है कि हर पैकेट में लिखा होता है कि इनका नेट वेट क्या होता है। जैसे ही इस पैकेट में हम देख ले कि इसका नेट वेट है 17 ग्राम, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैम जी, हाँ तो एक पैकेट में 17 ग्राम होता है, हमको आज तक पता ही नहीं था। मैंने उन लोगों को बताया हुआ था कि MFC का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। आजकल गांव-गांव में शॉप मिलते हैं, जैसे छोटा शॉप होता है, उनमें कुछ ऐसे खाद्य रखते हैं, ऐसे पैकेट रख देते हैं बच्चों को लुभाने वाला कि उनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट चला जाता है। लेकिन उन लोगों को मैंने इतना टिप्स दिया कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनका माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे नहीं जानते कि कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा बुरा है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को इतना समझदार बनना ठान लिया है कि उन लोगों को कभी किसी दुकान खोले में आता है और उसके लिए कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते। हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते थे और बच्चे हंस हंस कर ये सारे चीज़ बना लेते हैं और खुशी खुशी में वो सब ये सब कुछ सीख भी जाते थे। इसलिए मेरा शून्य निवेश का ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा, मैंने आप लोगों से ही प्रोत्साहित होकर ये बनाया है। और अंत में मैं अरविंद सोसाइटी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि JEDI और HDFC परिवर्तन के जरिए आप लोगों ने मुझे ये नेशनल प्लेटफॉर्म दिया मेरा शून्य निवेश को प्रदर्शन करने के लिए। आप लोग बताइए कि मेरा ये शून्य निवेश का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, मैं तो इसके जरिए अपने स्कूल में पूरा उपकृत हो गया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपने अपने स्कूल में ऐसा करके अपने छात्रों छात्रियों को ज्यादा उपकृत कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, আমার নাম অপূর্ব এবং আমি বঙ্গাইগাঁও বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। তো আমার ব্লক বঙ্গাইগাঁও এবং ক্লাস্টার বরপাড়া। তো ফার্স্ট অফ অল আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই অরবিন্দ সোসাইটি এবং তার সাথে HDFC পরিবর্তনকে, যে একটি সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে বাচ্চাদের কাছে, যাতে আমরা এরকম ভিডিও বানিয়ে বাচ্চাদেরকে কিছু শেখাতে পারি। বাচ্চারা বলতে এখানে ছাত্র ছাত্রীদের কথা আমি বলছি। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হলো যে, দেখো আমরা সবাই জানি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন থাকে, কারণ আমরা শ্বাসে যখন নেই তখন অক্সিজেন নেই, যখন শ্বাস ছাড়ি কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু অক্সিজেন যে আছে এটি আমি প্রমাণ কীভাবে করবো? এটি প্রমাণ করার জন্য মনে রাখবে অক্সিজেন যদি থাকে তাহলে কিন্তু আগুন জ্বলবে, অক্সিজেন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আগুন জ্বলবে না। তার মানে সেই জন্য কী করতে হবে? তো অক্সিজেন যে বায়ুমণ্ডলে আছে সেটি প্রমাণ করার জন্য তোমাদেরকে আমি ছোট্ট একটি মোমবাতি নিয়েছি। মোমবাতিটি তোমরা জানানোর পরে দেখবে এখানে ছোট্ট মোমবাতি আমি আগুন জ্বালিয়ে দিলাম, দেখবে মোমবাতিটি সুন্দর জ্বলছে, ঠিক আছে? তার মানে এই গ্লাসে যেটি নীল জল নিয়েছি, জলটি যে যখন দেখবে আমি প্লেটে জলটি ঢেলে দিলাম, ঢালার পরে দেখবে একটা জিনিস, যখনই এই নীল জলটুকু বোতলের মধ্যে ঢুকে যাবে, তার মানে যতক্ষণ ঢুকে যাবে তার কিছু সময় যেন মোমবাতিটি জ্বলবে, তারপরে নিভে যাবে। নিভে যাবে কেন? এমনি তো নিভছে না মোমবাতিটা, এখন কিন্তু মোমবাতি জ্বলছে, কারণ কি এখন ও মোমবাতিটি নমস্কার, আমার নাম অপূর্ব এবং আমি বঙ্গাইগাঁও বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। তো আমার ব্লক বঙ্গাইগাঁও এবং
ক্লাস্টার বরপাড়া। তো ফার্স্ট অফ অল আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই অরবিন্দ সোসাইটি এবং তার সাথে SDFC পরিবর্তনকে, যে একটি সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে বাচ্চাদেরকে, বাচ্চাদের কাছে যাতে আমরা এরকম ভিডিও বানিয়ে বাচ্চাদেরকে কিছু শেখাতে পারি। বাচ্চারা বলতে এখানে ছাত্রছাত্রীদের কথা আমি বলছি। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো যে, দেখো আমরা সবাই জানি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন থাকে, কারণ আমরা শ্বাসে যখন নিই তখন অক্সিজেন নিই, যখন শ্বাস ছাড়ি কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু অক্সিজেন যে আছে এটি আমি প্রমাণ কীভাবে করব? এটি প্রমাণ করার জন্য মনে রাখবে অক্সিজেন থাক, অক্সিজেন যদি থাকে তাহলে কিন্তু আগুন জ্বলবে, অক্সিজেন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আগুন জ্বলবে না। তার মানে সেই জন্য কী করতে হবে? তো অক্সিজেনের Hello everyone, my name is Bhuvan Kumar Shah, I am from Tripura Sundari HS School, Udaipur, Gomati Tripura. Today I am going to represent my Zero Investment Innovative Education idea. The name of my idea is to find the formula for the area of the circles by paper cutting and pasting method. The materials required for my idea are white board, marker, paper, color, scissors and geometric boxes etc. I think my idea is very effective in teaching to our beloved students. At first, we have to draw a circle of any radius on the paper using compass like this. Fold it once along the diameter of the circle to get semicircles. Fold again the semicircles to get quarters of circle. Repeat this process of folding up to four folds and it looks like a sector of a circle like this. Press and unfold the circles, then it is divided into 16 sectors of circles like this. Color half the circle with one color and remaining portion with different color. Cut these 16 sectors of circles. Cut again one of the sector of orange color into two equal parts like this. Arranging these 17 sectors of circles in alternate manner so that they form a rectangular shape like this. Look at carefully, how can I form a rectangular shape with the help of 17 sectors of circles? At first, sector of orange color have to arrange one by one in a straight line. Now sector of blue color have to arrange one by one from the opposite direction. Now sector of very small orange color have to arrange at one end, another sector of orange color have to arrange at another end. In this way, a rectangular shape is formed. Since area of the rectangular shape is equal to the area of the circles, length of the rectangle half into circumference of the circle, that is half into 2 pi r is equal to pi r. Breadth of the rectangle, radius of the circle, that is r. So, area of the rectangle, length into breadth, pi r into pi, that is pi r square. So, we can write that area of the circle is equal to pi r square. Today's discussion ends here.
I would like to thanks to ZIIEI, who has given me to represent my innovative idea. I am also very glad that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have started organizing exhibition for us. I want to say that if you like my innovative idea, please give me a good rating. Finally, I want to say that stay happy, stay healthy. Thank you very much. Namaskar. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் காமாட்சி. நான் தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி ஒன்றியத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தினப்பட்டி பள்ளியில் இடைநிலை தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன். ஜீரோ அப்படின்னாலே வேல்யூ இல்லைன்னா பொதுவாக எல்லாருடைய கருத்தாக இருக்குது. ஆனால் எந்த ஒரு ஏழனுக்கும் முன்னாடி தான் பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பில்லை. ஆனால் ஏழனுக்கு பின்னாடி அதனுடைய மதிப்பே வந்து அதுதான். அந்த முறையில் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மடையும் கட்டண கற்பித்தல எளிமையாகவும் மற்றும் உடமையடைய செய்யவும் முடியும் என்பதை பறைச்சாற்றும் வகையில் அதை வந்து நிரூபிக்கும் வகையிலுமே ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி மற்றும் ZIIEI மற்றும் HDFC மற்றும் சமகர சிக்ஷா முடியா ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கள் கிளாஸ் ரூமில் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கட்டண கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை நாங்கள் வந்து மேக்ஸில் வந்து செஞ்சுருக்கோம். அதில் நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்ட அது தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸில் என் பெயர் எழுதுதல். அதில் வந்து நிறைய வந்து பசங்க வந்து அந்த என் பெயர் எழுதும்போது நிறைய இடர்பாடுகளை டீச்சர்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, மாணவனும் வந்து நிறைய வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க. இந்த மெத்தடில் நான் வந்து உருவாக்கியிருக்க இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா, மீத்திறன் குறைவான அந்த மாணவனும் வந்து மிக எளிமையாக அவனுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடை வந்து செய்ய முடியும். அவன் வந்து எளிமை அடைஞ்சிட்டானாலே நம்மளுடைய கற்றல் செயல்பாடுகள் வந்து ஆசிரியரோட கற்றல் செயல்பாடு அங்கே வந்து சக்ஸஸாக முடிஞ்சிருது. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய நம்ம வந்து டிஎல்எம்ல எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு பிளாக் போர்ட், ஒரு சாக் இருந்தாலே போதும். இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து எளிமையாக மாணவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஆசிரியர்கள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து போர்டில் பிரித்து எழுதிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து காட்டியிருக்கிறது நான்கு இலக்க எண்கள், எண் உருக்களுக்கு நான்கு இலக்கம் வரை உள்ள எண் உருக்களுக்கு எப்படி என் பெயர் எளிய முறையில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மாணவனுக்கு என் பெயர் கற்பிப்பதற்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் போர்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும். அதாவது மேலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கணும், ஒன்றுகள் இலக்கம், பத்துகள் இலக்கம், நூறுகள் இலக்கம், ஆயிரமாவது இலக்கம். ஒன்றுகள் இலக்கத்தில் இந்த நம்பர்ஸ் 1 to 9 ஒன்பது வரையிலும் வந்ததுன்னா அங்கே என் பெயர் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருங்க. அதே மாதிரி பத்துகள் இலக்கத்தில் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, பத்துகள் அப்படின்னு வரும்போதே 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது 20, அந்த லாஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா 10 அப்படின்னு சவுண்டு முடியும். 9 அப்படிங்கிற எண் உருக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இலக்கத்திற்கான, அதாவது நூறுகள் இலக்கத்திற்கான சவுண்ட் வந்து அங்கே வரும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி நூறுகள் இலக்கத்துலேயும் சொல்லும் போது எல்லாமே எண்டிங் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா 100 தான் முடியும். 9 அப்படிங்கிற எண்ணூறுக்கு மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 900, 1000 அது அடுத்த இலக்கத்திற்குரிய சவுண்ட் வந்து அங்கே முடியும். அப்புறம் 1000வது இலக்கத்துக்கும் இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க. இப்போ எப்படி வந்து கற்பிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ஒரு எண் உரு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ங்களே. இப்போ 679 அப்படிங்கிற எண் உருவுக்கு என் பெயர் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம், மாணவனுக்கு எளிமையாக இந்த முறையும் பயன்படுத்தி சொல்லித்தரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்பர் எண் உரு எழுத சொல்லிடுங்க. அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பையன் இலக்கம் போடணும், 1, 10, 100. எப்படி இலக்கம் எழுதும் போதுமே பார்த்திங்கன்னா, இந்த நம்ம வலது பக்கம் இருந்ததை இப்படி இடது பக்கமாக எழுதிட்டு வரணும். அதை வந்து சொல்லி கொடுத்துருங்க. மாணவன் வந்து நிறைய இங்கேருந்து 1, 10 போடுவாங்க. அதையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும். அப்போ தான் அதை வந்து தப்பு இல்லாமல் எழுத முடியும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து நூறுகள் இலக்கம். நூறுகள் இலக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்க சொல்லுங்கள். இங்கே 6 இருக்குது நூறுகள் இலக்கத்துக்கு நேராக. இது சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நூறுகள் இலக்கத்தில் 6 இருக்குது, அப்போ 600.
பத்துகள் இலக்கத்தில் ஏழு இருக்கு, ஏழை சேர்த்து எழுபத்து அந்த என்டிங் சவுண்டு, அப்போ ஒன்பது இந்த ஒன்றுகள் ஆஸ் யூஷுவலாக உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்களா. அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது ஈஸியாக வந்து இது மாதிரி வந்து எண்ணூறு சொல்கிறதுக்குமே இதுலேயே நீங்கள் இப்படியுமே நீங்கள் டீச் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு சக்ஸஸான மெத்தடாக இருக்குது. இப்போ நூறுகளுக்கு நேராக ஆறுங்கிற எண்ணூறு இருக்குது, நீங்கள் வந்து இலக்கம் பார்க்க சொல்லணும். நூறுகள் இலக்கம் எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க சொன்னீங்கன்னா இங்கே இருக்குது நூறுகள் இலக்கம், அங்கே ஆறுக்கு நேராக என்ன எழுதியிருக்கோம் நம்ம அறுநூற்று, அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி பத்துகள் பத்துகள் இலக்கத்துக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு. பத்துகள் இலக்கத்துக்கு நேராக என்ன இருக்குது? ஏழு. ஏழுக்கு நேராக நம்ம என்ன எழுதி போட்டிருக்கோம்? எழுபத்து. ஒன்றுகள் இலக்கத்துக்கு நேராக ஒன்பது இருக்குது, அதை அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லிடுங்க. இப்போ அண்டர்லைன் பண்ணதை வந்து எதுக்கோசம் அண்டர்லைன் பண்ண சொன்னோம்னா அவன் எந்த நம்பருக்கு அண்டர்லைன் பண்ணான்றது தெரியாது, அதாவது ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க, அதுக்கோசரம் வந்து நீங்கள் எப்படி எழுத சொல்லிடுங்க. இப்போ எழுதுனதை அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணதை வந்து அப்படியே பார்த்து எழுத சொல்லுங்கள். இப்போ இப்போ நூறுகளுக்கு நேரம் ஆறு இருந்தது இல்லைங்களா, அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா, என்னென்ன அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கே என் பெயர் என்ன இருக்காங்க? அறுநூற்று. அறுநூற்று ஏழு. பத்துகளுக்கு நேரம் ஏழு இருக்குது, ஏழுக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்ம எழுதியிருக்காங்க? எழுபத்து. எழுபத்து. ஒன்றுகளுக்கு நேரம் ஒன்பது இருக்குது, அப்போ ஒன்பது. திரும்ப மாணவனை படிக்க வைங்க. அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது அப்படின்னு அவங்க படிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டீச் பண்ணிடுங்க, பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி. இப்போ எப்படி வந்து இங்கே வந்து பார்க்கணுங்கிறத மாணவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க, அப்புறம் எப்படி எழுதணுன்றத நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் நான் வந்து ட்ராபேக் டிஃபிகல்ட் பண்ணனால நான் இங்கே வந்து இது வந்து எக்ஸிபிஷனுக்கோசரம் நான் வந்து இதை வந்து இந்த சார்ட் ரெடி பண்ணேன். மாணவன் செஞ்ச தவறு அதுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ண இதே தான், அதே மாதிரி பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டுட்டோம். நாங்கள் இந்த மாதிரி பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டதை ஒரு பேப்பரில் எழுதி மாணவனை அவனோட கணக்கு புத்தகத்தில் முன்பக்கத்துலேயே ஏதோ ஒரு பேஜில் ஒட்டி வச்சுக்கிட்டான்னா கடைசி வரையிலும் அவன் பயன்படுத்த எளிமையாக இருக்கும். அப்புறம் அதை பார்த்து வந்து மாணவனை நம்ம எழுத சொல்லணும். ஸ்கூலில் நம்ம சொல்லி கொடுத்த பாட்டி அப்படின்னா பிளாக் போர்ட்லேயோ இல்லைன்னா அதை வந்து புக்கில் ஒட்டியிருக்கான் இல்லைங்களா, அதையும் பார்த்து நம்ம எழுத சொல்லும்போது எந்த இடத்துல வந்து தப்பு பண்ணுறான்றதை நம்ம அந்த இடத்துலையே கரெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் நம்ம ஹோம்ஒர்க் தரும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எந்த வித தப்பு இல்லாமல் எழுதியிருக்காங்க ஹோம்ஒர்க் நோட். இது அவங்களோடது. அப்போ அவங்க ஹோம்ஒர்க் நோட்டை அப்படிங்கிறப்ப அந்த பேப்பரில் எழுதி ஒட்டிக்கிட்டாங்கன்னா வீட்டில் போய் அவங்க செய்யும்போது வந்து மிகவும் வந்து எளிமையாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. நான் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பயன்படுத்தி இதை வந்து நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். மாணவன் வந்து எந்தவித தவறு இல்லாமல் செஞ்சிட்ருக்கான். அப்புறம் இது பார்த்தீங்க இந்த சார்ட் எடுக்கோசரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி ஈடு இலக்கம் வந்து பதினொன்றுலேருந்து இந்த ரெண்டு இலக்கம் வந்து பதினொன்றுலேருந்து இருபது வரையில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன எழுதி போட்டுங்க. இது வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்திறன் குறைவான மாணவன் இதை வந்து பார்த்து பயிற்சி பண்ணும்போது நாளடைவில் அந்த பயிற்சி அவனுக்கு பழக்கம் ஆகிட்டு எந்தவித தப்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி வந்து பயன்படுத்த முடியும். இந்த மாதிரியான இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. இதை வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்தி பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். This shape is known as a
triangle. In school, we are learning this is a triangle and area of the triangle, perimeter of the triangle. But now we are going to learn the applications of triangle from existing resources. Triangle is a very important shape in mathematics because this triangle has the strong stability and stiffness comparing to the other shape. Comparing from other shapes, triangle has more stability. That's why in all stress bridges, normal bridges, cell phone towers, all the places, we are using the triangles. Now I am going to show some examples. This is a bridge. This bridge completely made up of triangles. Suppose instead of triangles, if we use other shape, we can't get this type of stiffness. See here, suppose here we didn't add this triangle, we can't get the stiffness. So where we want strong and the stiffness bridges, there we can using the triangles. Suppose if we construct the bridge like this, if we try to this, it will broken. But if we give here triangles, it will be very stiffened. It's not broken. So in mathematics, triangle has more applications. Not only triangle, all the shapes in mathematics also has the real life applications. If we teach maths with existing resources, the students feel fearless and they will enjoy mathematics and they will understand the content very well. Let's see another one example. This model I did with triangle. Other than triangle, we can't get more stiffness like this. If anything, it will get more stabilized. From other shapes, we can't get this type of stability. This idea, what I am going to say, it means if we teach maths with real life examples, the students can understand the maths content well. When I teach maths like this in my classroom, the fear of the students will be reduced, the attendance of the students will be increased, parents also involving in the teaching learning process. Real life examples are the friendly things for all government school students. My hearty thanks to Aravinda Society and HDFC Bank, because in this COVID-19 pandemic period, Aravinda Society and HDFC Bank gave a golden opportunity to empower teachers' teaching and learning skills. I am very happy to participate in this e-exhibition. I am Narasimha Reddy. I am working SDT teacher, MPP school, Swarnapalam, Karanchad Mandal, Prakasam district, Andhra Pradesh. Today I am telling about mass mission. Dini Chiturvedi Prakriya Andraman Koda Chapoch. Din Dwara Kudikulu, Tishvetalu, Gunakaramu, Bhagaharamu, Nerpinchochu. Munduga Dini Oka Chinna Chakkapallaku ఈ మోటార్ని ఒక బ్యాటరీకి ఫిక్స్ చేశాను. ఈ మనం విద్యార్థుల్లో ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ కలగ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉన్న సందర్భంలో విద్యార్థులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. దాన్ని నేను ఈ యొక్క చతుర్విద ప్రక్రియల ద్వారా చిన్న విద్యార్థులు 1వ తరగతి విద్యార్థులకు అయితే నెంబరింగ్ గుర్తించడం 54 36 54లో ఎన్ని పదులు ఉంటాయి, 36లో ఎన్ని ఒకట్లు ఉంటాయి, అలా 1వ తరగతి విద్యార్థులకి
నెంబరింగ్ అనేది చెప్పించవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంకా 1, 2, 3, 4, 5 తరగతుల విద్యార్థులకి ఈ కోడికలు, ఈ తీసివేతలు, గుణకారాలు, భాగాహారాలు ఈ నాలుగు కూడా ఈ పరికరం ద్వారా చక్కగా చూపించవచ్చు. చూడండి, మొదటగా చూడండి, దీంట్లో ఈ ఈ యొక్క పెద్ద చక్రంలో ఇది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది, ఇది కదలదు. దీంట్లో మనం రకరకాల చక్రాలను మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం మార్చుకోవచ్చు. దీన్ని తీసేసి మళ్ళా మనం కావాలన్నటువంటి వేరే వేరే నెంబర్స్తో రకరకాల చక్రాలను మనం ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ముందుగా మనం తీసివేతకు సంబంధించినటువంటి ఈ టేబుల్ని దీంట్లో మనం దీనికి ఇలా ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా ఫిక్స్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఈ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ విద్యార్థులు ఎక్కడ అవుతుందని ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నప్పుడు కూడికలు అయితేమో దీని నుంచి దీని ద్వారా యాడ్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్స్ అయితేమో ఈ లోపల చక్రం ద్వారా దీన్ని మైనస్ చేసుకుని ఉండాలి. ఈ యొక్క చక్రం ద్వారా సుమారు 24 వరకు మనం తీసివేతలు నేర్పించవచ్చు. చూడండి ఎలా అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు 100 100 - 54 46 100 - 36 ఈ 100తో మనం వీటన్నిటినీ సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. అలానే మళ్ళా ఈ 70లోంచి 54ని 70లోంచి 36ని 70లోంచి 18ని 70లోంచి 24ని 70లోని 66ని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల విద్యార్థుల్లో మౌఖిక గుణితాన్ని మనం బాగా డెవలప్ చేయవచ్చు. ఈసారి మనం ఈసారి నేను ప్లస్ ఎడిషన్ యొక్క సంబంధించినటువంటి దీన్ని ఫిక్స్ చేశాను. చూడండి, ఇదిగో స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను, అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఏదో విద్యార్థి చేత ఈ యొక్క స్విచ్ ఆఫ్ చేయించినట్టయితే అది ఎక్కడో చోట అవుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ 54 + 54 108 అలా ఈ 54తో మళ్ళా 54 + 36 54 + 18 ఇలా ప్రతి దాంతో ప్రతి ఎడిషన్ మనం చెప్పించవచ్చు. ఇక్కడ సుమారు 54 + 32 36 + 32 32 + 18 32 + 24 ఈ విధంగా మనం సుమారు దీని ద్వారా మనం సుమారు 64 ఎడిషన్స్ మనం విద్యార్థులకు నేర్పించవచ్చు. ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క చక్రాలను మనం అన్ని తరగతుల విద్యార్థులకి చిన్న అంకెల నుండి పెద్ద అంకెల వరకు ఈ చక్రాలను మనం మార్చుకుంటూ ఉండవచ్చు. ఇలా పెద్ద అంకెలు కూడా మనం ఈ చక్రాలను యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు. దీని ద్వారా ఈ చిన్న చక్రం ద్వారా సుమారు 64 వరకు కూడికలు అవి మనం నేర్పించవచ్చు. అలానే ఈసారి ఇంటూ ఈసారి గుణకారాలకు సంబంధించినటువంటి మనం ఈ చక్రాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని దీని ద్వారా 10 10 × 54 10 × 36 10 × 18 అలా రకరకాలకు సంబంధించినటువంటి గుణకారాలు, అలానే డివైడెడ్ బై ఇలా డివైడెడ్ కూడా సంబంధించినటువంటి చక్రాలు, రకరకాల చక్రాల ద్వారా మనం విద్యార్థులకి ఎంతో ఆతృతగా మౌఖిక గణితాన్ని బాగా కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారాలు, భాగారాలు విద్యార్థులకు నేర్పించవచ్చు.
ఈ పరికరం ద్వారా విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందనుకుంటున్నాను. అది అవకాశించినటువంటి అరవిందో సొసైటీ వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు టీ వీరరుణ గాయత్రి. నేను కడియం మండలం మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల బుర్లంక ఎస్సీ కాలనీలో సెకండ్ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేస్తున్నాను. ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రైమరీ క్లాసెస్లో ఆపోజిట్ వర్డ్స్ బోధించడానికి ఇలా నేను జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్తో టీఎల్ఎం తయారు చేశాను. ఇదంతా కూడా పాత శుభలేఖలతో తయారు చేయడం జరిగిందండి. ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు కాలేదు, జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ టీఎల్ఎం ద్వారా బహుళ తరగతి బోధనలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక్కొక్క టీఎల్ఎం ఉపయోగించుకుని చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది. తర్వాత ఇది ఇన్నోవేటివ్ పద్ధతిలో ఉండడం వల్ల విద్యార్థులందరూ మర్చిపోకుండా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. Close, open, happy, sad, full, empty, in, the parity is in the case, out, dirty, clean, smooth surface, rough surface, near, far, near, tall tree, short tree, boy, girl, cold, hot, few, many, up, down, thin, fat, bottom, top, off, on, under, the ball is under the table, the ball is on the table.
night, day, small, small mango, big mango. ఇటీవల అంతా కూడా పాత శుభలేఖలతో తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది ఇన్నోవేటివ్గా ఉండడం వలన పిల్లలందరూ చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నారు. తరగతిలో ఉన్న ఒక్కొక్క విద్యార్థికి ఒక్కొక్క టీఎల్ఎం ఇచ్చి రాయమండడం జరుగుతున్నది. ఇది బహుళ తరగతి బోధనలో కూడా బాగా ఉపయోగపడుతున్నది. అలాగే జడఈ వాళ్ళు మాకు మంచి వేదిక కల్పించి టీఎల్ఎంలు చేయడంలో మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అరవిందో సొసైటీ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హాయ్ ఎవరివన్, ఐఎమ్ రాజకొండ కృష్ణమోహన్, ఎస్జిటి ఎంపీపీ స్కూల్ నెంబర్ 1, వేల్పూర్ తణుకు మండల్ పశ్చిమగోడి డిస్ట్రిక్ట్. నౌ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ ద ఇంగ్లీష్ వర్కింగ్ మోడల్, ద క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ అండ్ డౌన్ వర్డ్ పజిల్. మై ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా, దిస్ ఈజ్ మై జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా. దట్ మీన్స్ వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్ త్రూ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ. సో ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ హియర్, the empty match boxes, either short and a zigzag short, zigzag pieces from the short, and two way sticker and activity cords, and supported unused fiber sheet. So my idea is effective for the students for developing the classroom environment and vocabulary, classroom usage English and general knowledge, word power through LSRW. Here, the crossword and downward puzzle, the student, I am asking the student, so one question he pick up and he reads the National Board of India with the help and guide. As a facilitator, we have to teach, as a teacher, we have to help them. The National Board of India. Then he try and so this question is in the activity box, and the student pick up the spelling of the National Board of India, and this is crossword. First he takes PSCOC.